हेलो दोस्तों, मास्टर स्टडी क्लासेस इज ऑनलाइन दुनिया में मैं अरुण शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम गोदावरी नदी का टॉपिक पढ़ेंगे भैया। गोदावरी नदी, गोदावरी, गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है? अभी गोदावरी नदी कहां से निकलती है तो गोदावरी नदी का उद्गम देखेंगे। उद्गम कहां से होता है? ठीक है, तो गोदावरी नदी का उद्गम दोस्तों महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य है हमारा, एक तटीय राज्य है, समुद्र के किनारे अरब सागर में स्थित है। महाराष्ट्र में त्र्यंबकम की पहाड़ी से होता है। कौन सी पहाड़ी से होता है? महाराष्ट्र में त्र्यंबकम की पहाड़ी से होता है। दोस्तों गोदावरी नदी जो है दक्षिणी भारत की, जिसे हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत, है ना, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पर भारत की सबसे लंबी नदी नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। हमने इस वर्ड को हाईलाइट करना है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, ना कि भारत की, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? गोदावरी नदी है। कौन सी है? गोदावरी नदी। अर्थात कर्क रेखा से नीचे वाला जो भारत है, ये जो कर्क रेखा है इससे नीचे वाला जो भारत है, यहां पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है दोस्तों। कौन सी है? गोदावरी नदी है। मित्रों गोदावरी नदी की जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो है 1465 किलोमीटर है। कितनी है? 1465 किलोमीटर है, अर्थात 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई है। किसकी लंबाई है? गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर हमारी गोदावरी की लेंथ पड़ती है। क्लियर हो गया? तो गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? 1465 किलोमीटर है। कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए, ठीक है। आप कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। गोदावरी नदी जो है इसे दक्षिणी गंगा दोस्तों कहा जाता है, दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा, प्रौढ़ गंगा, वृद गंगा, आदि नामों से जाना जाता है। भाई गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिणी गंगा, बूढ़ी गंगा, प्रौढ़ गंगा, वृद्ध गंगा आदि नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है? गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र राज्य में त्र्यंबकम की पहाड़ी है। मित्रों कौन सी पहाड़ियां हैं? त्र्यंबकम की पहाड़ी है, वहां से गोदावरी नदी निकलती। इस पहाड़ी का नाम भी आपको याद रखना है, त्र्यंबकम की पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। मित्रों इसकी जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर है। सबसे लंबी नदी होने के कारण इसे दक्षिणी गंगा, बूढ़ी गंगा, प्रौढ़ गंगा या वृद्ध गंगा, लंबी होने के कारण। लेकिन दोस्तों मैं यहां पर एक बात क्लियर कर देता हूं, यदि आपसे पूछा जाता है दक्षिण भारत की गंगा, देखो ये उस समय भी बताया जाएगा जब कावेरी नदी पढ़ाएंगे। अभी मैं इसलिए बता रहा हूं कि कंफ्यूजन अभी दूर हो जाएगा। कावेरी नदी को बारहमासी होने के कारण, प्रायद्वीपीय भारत की बारहमासी होने के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? दक्षिणी भारत की गंगा। लेकिन दक्षिणी गंगा, बूढ़ी गंगा और प्रौढ़ गंगा सबसे लंबी होने के कारण इसे कहा जाता है, और बारहमासी होने के कारण दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को
कहा जाता है। तो गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है दोस्तों, दक्षिणी गंगा, बूढ़ी गंगा, प्रौढ़ गंगा, वृद्ध गंगा नाम से जाना जाता है। देखिए गोदावरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। गोदावरी नदी कहां पर अपना जल गिराती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। गोदावरी नदी अपना जल कहां पर गिराती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। क्लियर है? तो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराने वाली नदी कौन सी है, गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है, गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझे बता सकते हो। अभी एक लाइन और देख लीजिए, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं दोस्तों पेन गंगा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है पेन गंगा किसकी सहायक नदी है, वेन गंगा किसकी सहायक नदी है, तो लोग गंगा की ही कर देते हैं, है ना। लेकिन पेन गंगा और वेन गंगा दक्षिणी गंगा की सहायक नदी है। बूढ़ी गंगा जिसे कहते हैं, प्रौढ़ गंगा जिसे कहते हैं, वृद्ध गंगा जिसे कहते हैं, दक्षिणी गंगा जिसे कहते हैं, जिसका नाम गोदावरी है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं, फिर कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। धन्यवाद।